हाय व्यूवर्स, आज साइकिश कुकिंग में मार्बल केक कैसे बनाना देखते हैं। ये बहुत ईजी रेसिपी है, कुकर और अवन में भी बना सकते हैं। आज हम कुकर में बनाने रहा हूँ। मैं ये बनाने के लिए ज़रूरत वाला चीज़ को लेके रखा हूँ। अभी मैं आपको कैसे बनाना है करके दिखाती हूँ। मैं एक कप मैदा लिया हूँ और कर्ड हाफ कप लिया हूँ, दही ऑयल 1/4 कप लिया हूँ, पाउडर्ड शुगर हाफ कप, चॉकलेट पाउडर 1 टेबलस्पून, वनीला एसेंस 1/2 टेबलस्पून और बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टेबलस्पून और मिल्क दूध 1/4 कप लिया हूँ। अभी ये एक बाउल में दही डाल दिया हूँ, उसके बाद ऑयल ऐड कर लिया हूँ और वेनिला एसेंस ऐड कर लिया हूँ। अभी हल्का से मिक्स कर लिया हूँ। उसके बाद पाउडर शुगर ऐड कर लिया हूँ। अभी अच्छा से बीट कर लिया। अभी फिल्टर में मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया हूँ। फिल्टर कर लिया हूँ। उसके बाद अच्छा से मिक्स कर लिया हूँ। अभी दूध आधा ऐड करना है। देखिए इस तरफ का मिक्स करना है। दूध थोड़ा थोड़ा करके जरूरत का हिसाब से ऐड कर लेते हैं। अभी और एक बॉल में मिक्स किया हुआ वेनिला मिक्स को ट्रांसफर कर लेते हैं। ये बॉल में 1 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर लेंगे। और 1 टेबलस्पून दूध ऐड करके बाद अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ये चॉकलेट मिक्स अलग से लेके रखते हैं। एक केक लोफ में 1 टेबलस्पून ऑयल को ब्रश कर रहा हूँ। अभी
मैं 2 स्पून लिया हूँ, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा वाला स्पून वेनिला मिक्स लेने के लिए और छोटा वाला चॉकलेट मिक्स के लिए। अभी 2 टेबलस्पून वेनिला मिक्स लेके पैन में डाल रहा हूँ और 1 टेबलस्पून चॉकलेट मिक्स डाल रहा हूँ। और एक बार वेनिला मिक्स डाल रहा हूँ और चॉकलेट मिक्स, ये रिपीट कर रहा हूँ। अभी बैटर रेडी हो गया, उसमें एक स्टिक में ऐसे कर्व बना लिया है। अभी टैप कर लेते हैं। पहले एक पैन में नमक डाल दिया हूँ। ऐसे नमक डाल दिया हूँ। अभी उसका ऊपर से स्टैंड रख दिया हूँ। उसके बाद लिड लेके पैन को बंद कर लिया हूँ। अभी 5 मिनट वैसे ही प्रीहीट करना है। अभी प्रीहीट हो गया, केक लोफ को अंदर रख दिया हूँ। वैसे ही सिम में 25 से 30 मिनट तक रखना है। अभी 25 मिनट हो गया। देखिए हमारा केक अच्छा से बन गया। देखिए, बनाइए, खाइए, खुश होकर रहिए। वॉच, कुक, ईट एंड एन्जॉय।